हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। तो पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से पूरा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा चेंजेस। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे, एग्जाम में अगर आप लोग अच्छे से लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग। तो ये लाइन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे मैक्स जेड इक्वल्स टू, जो सेम हम लोगों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है वो, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, ये कंस्ट्रेंट्स है x1 प्लस 2x2 प्लस x3। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे जो डिसीजन वेरिएबल है सारे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे स्लैक वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे s1 को ऐड कर दिए, अगर ग्रेटर देन रहता तो सरप्लस वेरिएबल को माइनस करते, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है 3x1 प्लस 2x3, यहाँ पर भी लेस देन का सिंबल है, तो यहाँ पे s2 को ऐड करेंगे इक्वल्स टू 460। एक्स वन प्लस फोर एक्स टू इक्वल्स प्लस एस थ्री इक्वल्स टू 420, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एस वन एस टू और एस थ्री को जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी जो है एस वन एस टू एस थ्री लिखना होगा, और एस वन एस टू एस थ्री का जो कॉस्ट होता है वो जीरो है, तो जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू प्लस जीरो एस थ्री को लिखना होगा हम लोगों को इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1, x2, x3 और s1, s2, s3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पहले जनरल फॉर्म से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब क्या करना है, हम लोगों को कुछ रूल्स याद रखने हैं। वो रूल्स क्या है ये देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सिंप्लेक्स का एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स। तो ये स्टेप्स है, पहला स्टेप्स में तो हम लोग ने जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और ये कन्वर्ट करने का ये कुछ रूल्स था 1, 2, 3, 4 जो मैंने पिछले के वीडियो में ये समझाया है। अब जो है सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है, राइट द वैल्यूज ऑफ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम लोग को इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, जो हम लोग को स्टेप्स टू में बोला है। अब इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, और फिर यहाँ लिख देंगे जो हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल जो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पे x1, x2, x3 दिया हुआ था, हमने s1, s2, s3 को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो जो दिया हुआ था वो जीरो होगा, यानी कि x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और s1, s2 और s3 का वैल्यू को निकालना है, तो देखिए यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स है, x1, x2, x3 जीरो है, तो s1 का वैल्यू होगा यहाँ से 430, सेकेंड से निकालेंगे तो s2 का वैल्यू होगा 460, और इसी तरीके से थर्ड से s3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 420, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, तो स्टेप टू हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म से अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने बोला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू बी का फॉर्म में लिखेंगे। ये ए जो है यहाँ पर, ये जो कंस्ट्रेंट जो है ये सारा, जैसे x1 का जो कॉस्ट है 1, x2 का कॉस्ट है 2, ये होगा। x का जो वैल्यू है वो सारे वेरिएबल्स होंगे, मतलब ये जो 6 वेरिएबल है वो x होगा, और b का वैल्यू जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं पहले तो x1, x2, x3 और s1, s2, s3, ठीक है। यहां से लिखेंगे, देखिए 1 x2 के लिए 2, x3 के लिए 1, तो 1 टू वन, एस वन यहाँ पे 1 है और एस टू और एस थ्री जीरो है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में देखिए 3 है एक्स वन के लिए, एक्स टू नहीं है तो एक्स टू यहाँ पे 0 है, एक्स थ्री के लिए 2 है और एस वन 0 है, ये 1 है और ये भी 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है थर्ड वाला, तो यहाँ पे ये एक्स वन 1 है, एक्स टू 4 है, एक्स थ्री यहाँ पे नहीं है तो 0 है, एस वन एस टू भी 0 है और S3 जो है वो 1 है, ठीक है। ये A हो गया हम लोगों का। X के लिए हम लोग यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को लिख देंगे, X1, X2,
एक्स थ्री और एस वन एस टू एस थ्री सारे वेरिएबल्स लिख दिए। और राइट हैंड साइड में बी की वैल्यू जो है, ये राइट हैंड साइड वाला वैल्यू मतलब 430, 430, 460 और 420। इसी तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, इससे मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एग्जाम में। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो देखिए ये वाला स्टेप तो हम लोग अब कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को बोला है कंस्ट्रक्ट द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। तो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोगों को इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना होगा, जिस तरीके से मैंने बनाया आप लोग भी उसी तरीके से बनाइए। और याद रहे कि राइट हैंड साइड में जो है कुछ स्पेस को छोड़ देना है आप लोगों को अभी, ठीक है, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है रो है वो है सीजे का। सीजे का रो को हम लोग फिलअप करने के लिए हम लोग का जो हम लोग का पास ये था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें जो जितने सारे वेरिएबल है यानी कि 6 वेरिएबल है हम लोग के पास, तो सारे का कॉस्ट जो है वहां पे लिख देंगे, मतलब सीजे में जो है सबका कॉस्ट लिखेंगे। तो क्या है, एक्स वन के लिए 3, एक्स टू के लिए 2 और एक्स थ्री के लिए 5, मतलब 3 to 5 है और ये 0 0 0 है। तो यहाँ पे एक्स वन के लिए 3, एक्स टू के लिए 2, एक्स थ्री के लिए 5 और एस वन एस टू एस थ्री 0 है, ठीक है। तो ये वाला रो फिलअप कर दिए। अब हम लोग कॉलम फिलअप करेंगे। ये जो बी है ये बेसिक वेरिएबल का कॉलम है। हम लोग फर्स्ट जो इनिशियल टेबल बनाएंगे उसमें हम लोग जो स्लैक या फिर सरप्लस वेरिएबल, मतलब जो हम लोग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसको लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए 3 स्लैक वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे एस वन एस टू एस थ्री तीनों को लिख दिए। और ये सी बी जो है ये इन सब का कॉस्ट है, तो एस वन का कॉस्ट है 0, एस टू का भी 0, इनिशियल है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। और एक्स बी में जो है राइट हैंड साइड का वैल्यू लिखेंगे। राइट हैंड साइड का वैल्यू ये है, हम लोग मैट्रिक्स बना चुके हैं। हम अगर मैट्रिक्स आप लोग नहीं बनाए तो आप लोग यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स से देख के लिखेंगे 430, 460 और 420, ठीक है। अब ये वाला को फिलअप करना है, इसमें जो हम लोग फिलअप करेंगे डायरेक्ट मैट्रिक्स को देख करके फिलअप कर देंगे पूरे को। तो क्या है, 1 to 1, 1 to 1, 1 0 0, 1 0 0, फिर है यहाँ पे देखिए 3 0 2, फिर 0 1 0, ठीक है, फिर है 1 4 0 0 0 और 1, ठीक है। अब हम लोग जो है इनिशियल मतलब सिंप्लेक्स टेबल बना चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए ये वाला जो है सिंप्लेक्स टेबल बना दिया गया है। अब क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ जेड जे माइनस सी जे। पहले कैलकुलेट करना है जेड जे माइनस सी जे का फॉर्मूला भी हम लोगों के पास है, और उसके बाद फिर इसके जो कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे। तो पहले जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू को निकालना है। तो देखिए ये वाला जो हमने रो बनाया है ये जेड जे माइनस सी जे का रो है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है हम लोगों के पास, यहाँ पे आप लोग आराम से लिख सकते हैं कैलकुलेट जेड जे माइनस सी जे के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे, फाइन। तो जेड वन माइनस सी वन के लिए क्या, ये तो जनरल फॉर्मूला है, तो जेड वन माइनस सी वन के लिए क्या होगा, सी बी इंटू एक्स वन माइनस सी वन, ठीक है। अब सी बी इंटू एक्स वन, अब देखिए सी बी का जो कॉलम है सी बी का सारा वैल्यू 0 0 0 रहेगा, क्योंकि इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है तो सब में 0 ही रहेगा। तो 0 इंटू एक्स वन है 1 3 1, तो 0 into 1 प्लस 0 into 3 प्लस 0 into 1, सी वन का वैल्यू यहाँ पे सी जे वन में सी वन का वैल्यू 3 है, तो -3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3, यहाँ लिखेंगे -3। जिस तरीके से जेड वन माइनस सी वन निकाले, अब सेम जेड टू माइनस सी टू निकालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है और हम लोग यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल लिखेंगे वो सारे उन वेरिएबल को लिखेंगे जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए, तो उन सबका कॉस्ट तो 0 ही रहेगा। तो इसलिए इनिशियल टेबल में जो है जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू जो है सी जे पे डिपेंड करता है, जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू माइनस सी जे रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या होगा, सी बी इंटू एक्स टू माइनस सी टू होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 into 2 प्लस 0 into 0 प्लस 0 into 4 माइनस, ये जो सी टू का वैल्यू है ये है
टू, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू, ठीक है। तो इनिशियल टेबल में जैसे मैंने बोला सब वही आ रहा है, माइनस सी जे आ रहा है, तो यहाँ पे फाइव है तो माइनस फाइव आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। जेड थ्री, जैसे जेड वन और जेड टू मैंने निकाला है, आप लोग जेड टू जेड थ्री माइनस सी थ्री निकालिए, तो माइनस फाइव आएगा, और यहाँ पे माइनस जीरो, तो ये माइनस जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो होगा, ठीक है। हमने जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू निकाल लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टेप फाइव तो हमने ये वाला जो कंप्लीट कर लिया है वैल्यू निकालने का। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर ऑल जेड जे माइनस सी जे जो रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा, इक्वल टू भी चलेगा और ग्रेटर देन होना चाहिए, तो हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल स्टेज पर पहुंच चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ग्रेटर देन जीरो तो नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज जो है हमारे पास तीन है, कोई एक वैल्यू रहता तो हम लोग उसी वैल्यू को ले लेते, लेकिन यहाँ पे तीन है तो कौन से को लेंगे, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट निगेटिव वैल्यू रहेगा उसको लेंगे। तो मोस्ट निगेटिव वैल्यू यहाँ पे माइनस फाइव है, तो यहाँ पे एक इस तरीके से एक एरो बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो मोस्ट निगेटिव वैल्यू रहेगा उसमें एक एरो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस फाइव है तो माइनस फाइव में एक एरो बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। जहाँ पे आपने एरो बनाया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा, मतलब ये जो है कॉलम किसका है, एक्स थ्री का है, तो एक्स थ्री का कॉलम में क्या क्या है, वन टू और जीरो है, तो ये जो कॉलम होगा, ठीक है, ये जो कॉलम होगा इसको बोलेंगे हम लोग की कॉलम, मतलब x3 का जो कॉलम है वो की कॉलम है, ठीक है। इस जो x3 है इसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग वेक्टर, ठीक है, और इस कॉलम को बोलते हैं की कॉलम। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहां पे है, नेक्स्ट स्टेप में मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स बी बाई सी के, और सी के जो है की कॉलम है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, मतलब सी के जो है ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो चलिए मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम राइट हैंड साइड में जो थोड़ा सा स्पेस हमने रखा था वो मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए रखा था, ठीक है। यहाँ पे पहले ही मिनिमम रेशियो का कॉलम हम लोग इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अगर जेड जे माइनस सी जे का जो वैल्यू है सारा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो हम लोग को मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव में भी आ रहा है तो हम लोग मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला था एक्स बी बाई की कॉलम, तो यहाँ पे हम एक्स बी बाई की कॉलम है हम लोगों का एक्स थ्री, तो एक्स बी बाई एक्स थ्री इसको फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स बी बाई एक्स थ्री। तो एक्स थ्री का जो वैल्यू होगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग एक्स बी का वैल्यू है फोर एट फोर थर्टी बाई एक्स थ्री, एक्स थ्री का वैल्यू है यहाँ पे वन, तो यहाँ पे होगा फोर थर्टी, फिर यहाँ पे है फोर सिक्सटी बाई एक्स थ्री का वैल्यू है टू, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टू थर्टी, नेक्स्ट है फोर ट्वेंटी बाई जीरो, तो क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि एक्स थ्री ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। अब फोर थर्टी और टू थर्टी में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है हमारा टू थर्टी, तो टू थर्टी में जो हम लोग इस तरीके से एरो बना देंगे, ठीक है। अब ये एरो यहाँ पे, ये जो एरो यहाँ पे बनाए थे इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम लोगों का कॉलम था वो, और ये जो वेरिएबल था इसका x3, उसको वो बोल उसको बोलेंगे इनकमिंग वेक्टर, और जो मिनिमम रेशियो से जो हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो रो बना, मतलब जो है ये वाला रो, देखिए ये वाला जो रो है इसको बोलेंगे की रो, और ये जो की रो से जो सामने के सामने जो ये हमारा वेरिएबल रहा s2, s2 को बोलेंगे आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। और ये जो दोनों में की रो और की कॉलम जो दोनों में जो हमारा कॉमन एलिमेंट है इसको बोलेंगे की एलिमेंट, तो यहाँ पे जो टू है वो की एलिमेंट है, फाइन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स सेवन देखते हैं। ये स्टेप सेवन में बोला है कंस्ट्रक्ट द न्यू सिंप्लेक्स टेबल बाय इंटरिंग इनकमिंग वेक्टर, और उसके बाद है रिपीट स्टेप फाइव एंड सिक्स,
ठीक है, फाइव और सिक्स में जो है हम लोगों का ये फाइव और ये सिक्स स्टेप को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट इटरेशन लिख करके नया सिंप्लेक्स का टेबल बना लिया है, उसी तरीके से बनाया जैसे पहले बनाए थे। लेकिन पहले में तो हम लोग ने जो सारे वैल्यूज डाले थे वो तो बड़े आसानी से मैट्रिक्स को देख करके डाल दिया था, लेकिन इस वाले में हम लोग को सारे वैल्यूज को यहाँ पे फिलअप करने के लिए कैलकुलेशंस करने होंगे। सीजे का वैल्यू तो यही रहेगा क्योंकि कॉस्ट जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कॉस्ट है वो तो सेम ही है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सीजे का वैल्यू जो है टेबल वन से ही लिख देंगे। सीजे का वैल्यू है 3 2 5 0 0 0, कॉस्ट सेम रहेगा। बेसिक वेरिएबल में हम लोग के पास फर्स्ट टेबल में था S1, S2 और S3, और S2 हम लोग का आउट गोइंग वैक्टर है और इसके जगह पे हमारा इनकमिंग वैक्टर है X3, तो S2 की जगह X3 लिखेंगे और S1 और S3 वैसे ही रहेगा, S1 X3 आया और ये S3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका कॉस्ट लिखेंगे। S1 का है 0, X3 का है 5 और S3 का भी है 0। ठीक है, और ये XB से लेकर के ये जो सारा हम लोगों का जो टेबल है इसको फिलअप करने के लिए हम लोगों को कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। वो कैलकुलेशंस हम लोग टेबल वन को ही देख करके करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो टू जो है कॉमन दोनों में, ये जो है की एलिमेंट है, तो इसका जो है बहुत काम है इस कैलकुलेशन से रिलेटेड। अब जो देखिए, ये जो रो है हमारा सेकेंड रो, इस पूरे रो को, मतलब ये रो सेकेंड वाला रो नहीं जिसमें की एलिमेंट है, वो वाला रो, ठीक है, उस वाले रो को जितने सारे उसमें वैल्यूज है सबको की वाले वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब की वैल्यू से सबको डिवाइड करेंगे, मतलब 460/2 3/2 सबको इस तरीके से करके लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा 460/2, तो ये हो जाएगा 230। ठीक है, सेकेंड वाला ही पहले हम लोग रो को फिलअप करें, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 3/2, 0/2 मतलब 0, 2/2 यानी कि 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 1/2 और ये 0। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हम लोग देखिए ध्यान से, जो बेसिक वेरिएबल था S1, S2 और S3, जो बेसिक वेरिएबल था S1, S2 और S3 का जो है हम लोग वैल्यूज देखिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से लिखा हुआ है ये, उसी तरीके से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। इसलिए जो टेबल टू में जो आएगा, जो हमारा बेसिक वेरिएबल S1, X3 और S3, तो ये भी जो है हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। मतलब S1 जो होगा हम लोगों का वो होगा, जैसे देखिए यहाँ पे था पहला वाला 1 0 0, ठीक है, तो S1 यहाँ पे भी होगा 1 0 0, फिर S2 जो था हम लोगों का 0 1 0 था, और यहाँ पे क्या है X3 है, तो ये भी होगा 0 1 0। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है S3, S3 था 0 0 1, तो ये जो लास्ट वाला जो है ये होगा 0 0 1। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसा ही होता है। अगर सेकेंड इटरेशन भी करेंगे तो यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल को लेंगे उससे रिलेटेड जो है उसी फॉर्म में बनेगा। X1, S3 और S3 उसी फॉर्म में बनेगा। S1 क्योंकि देखिए X3 के बाद S1 है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 0 0 होगा, वैसा नहीं होगा। जिस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है S1, X3 और S3, उसी फॉर्म से बनेगा। पहले S1 है तो पहले 1 0 0 होगा, फिर X3 है तो 0 1 0 होगा। अब अगर अलग अलग करके यहाँ पे देखें, पहले S1, X3 और S3 का वैल्यू को अलग से लिख के देखेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दो तरीके से बताऊंगी टेबल को फॉर्म करना। पहला तरीका मैं इस वाले में बता दे रही हूँ, और अगर सेकेंड टेबल बना तो मैं उसमें सेकेंड वाला जो है तरीका बताऊंगी। आप लोग दोनों में से जो तरीका आप लोगों को पसंद आएगा आप लोग उसे सॉल्व करिए। तो पहले हम ये वाला तरीका देख लेते हैं। तो इतना तक हम लोग का टेबल फॉर्म हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे इधर इधर यहाँ पर का कुछ कुछ वैल्यूज जो है हम लोगों को नहीं पता है, तो अब इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पहला जो हम लोग का जो टेबल है इससे पहले वाले टेबल को देखेंगे, जो की एलिमेंट रहेगा। ठीक है, देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोगों का यहाँ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस वाले वैल्यू को। तो पहले के टेबल में देखेंगे यहाँ पे 430 है, उस वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे की एलिमेंट से। ठीक है, तो 430 × 2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेशन, तो 430 × 2 करेंगे। देखिए,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल पहले तो डायरेक्ट इसको इससे की एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का वैल्यू निकालना है तो की एलिमेंट से मल्टीप्लाई के 430 × 2, ठीक है। और फिर यहाँ से जो डायगोनल है इसके ऊपर और इसके नीचे जो डायगोनल ही बन रहा है उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 430 × 2 हो गया -460 × 1, -460 × 1 कर देंगे, ठीक है। और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से, की एलिमेंट है हमारा 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा ये आएगा 200, ठीक है। तो ये जो 200 वैल्यू हमने कहाँ के लिए निकाल रहे थे, यहाँ के लिए निकाल रहे थे, तो ये यहाँ पे 200 लिख देंगे। अब क्या करना है हम लोग को, इसके लिए वैल्यूज निकालना है, यहाँ के लिए वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट टेबल में देखेंगे यहाँ पे है 420, 420 से डायरेक्ट की एलिमेंट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे और माइनस कर देंगे इसको इससे, देखिए तो ये क्रॉस बन गया, ठीक है। तो पहले इस वैल्यू को 2 से इंटू करेंगे, यानी कि 1 × 2 − 3 × 0, ठीक है। तो 1 × 2 − 3 × 0 और इसको डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से, यानी कि 2 से, तो ये जो वैल्यू आएगा ये 1, तो ये 1 हमने यहाँ के लिए निकाल रहे थे, ये 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो है इस जगह के लिए हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, तो फर्स्ट टेबल में देखेंगे यहाँ पे 1 था, तो इसको डायरेक्ट की एलिमेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि इसके बाद किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से करेंगे तब ये क्रॉस बन रहा है, देखिए इसको इससे किए और इसको इससे किए तब ये क्रॉस बन रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन रहा है क्रॉस, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले जहां का वैल्यू निकालना है उसको ही की एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उसके बाद इसको माइनस करेंगे, तो 1 × 2 − 3 × 1, 1 × 2 − 3 × 1 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या वैल्यू आएगा, 2, यानी कि −1/2, ठीक है। तो यहाँ का वैल्यू आएगा −1/2। उसके बाद हम लोग इसके लिए वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे इसका वैल्यू के लिए भी सेम चीज करेंगे, तो ये वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 1 × 2 और 3 × 0 जो हमने पहले निकाला था वो इस जगह के लिए निकाला था, मैंने यहाँ पे इसको 1 यहाँ पे लिख दिया है, तो ये जो 1 होगा ये यहाँ के लिए नहीं, मैंने ये वाला जो 1 है, देखिए ये वाला जो 1 निकाला है इस जगह के लिए नहीं, इस जगह के लिए निकाला था, तो ये 1 अब इस जगह के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ध्यान से करना होगा, जहाँ के लिए वैल्यू निकाल रहे वहाँ के लिए ही लिखना होगा, कि यहाँ पे मैंने पेंसिल से मार्क कर दिया था इसलिए मुझे पता चल गया कि मैंने यहाँ का वैल्यू निकाल लिया है। अब क्या करना है, इस जगह के लिए वैल्यू तो मैंने अभी तक नहीं निकाला है, इस जगह के लिए वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसके लिए वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। −460 × 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर से इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ही रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 420 × 2 − 460 × 0, तो 420 × 2 − 460 × 0 और इसको डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से, यानी कि 2 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 840/2, यानी कि 420, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ के लिए जो वैल्यू आएगा वो होगा 420, ठीक है। अब हम लोग इस जगह के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस जगह के लिए करने के लिए यहाँ पे देखेंगे x2 में यहाँ पे 2 है, तो इस वैल्यू को डायरेक्ट 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 2 को करेंगे, तो इसका मतलब 0 को 1 से करना होगा, यानी कि 2 × 2 − 0 × 1, तो 2 × 2 − 0 × 1 और डिवाइड भी करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/2 − 4/2, यानी कि 2, तो इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे 2। उसके बाद इस यहाँ के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखिए इस टेबल में यहाँ पे क्या है, 0 है, सॉरी 0 यहाँ पे x2 के लिए फाइंड आउट करें, x2 के नीचे वाला वैल्यू फाइंड आउट करें, तो x2 के नीचे क्या है, 4 है, 4 को डायरेक्ट 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 2 − 0 × 0, ठीक है, 0 × 0 / 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/2, यानी कि 4,
ये 4 हमने यहाँ के लिए निकाला था, तो यहाँ पे ये 4 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या बचा हुआ है, एस टू बचा है, एस टू का फर्स्ट वाला वैल्यू जो है 0 है, तो 0 को डायरेक्ट 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और उसके बाद 1 को जो है 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 को 0 से और 1 को 1 से, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा माइनस 1 बाई 2। ये माइनस 1 बाई 2 हम लोगों ने यहाँ के लिए निकाला था। आप लोगों को ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू हम लोग किस जगह के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट बचा ये वाला, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सेम 2 इंटू 0 ये माइनस 0 इंटू 1, 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, तो 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1 और डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से, तो क्या होगा 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0। तो फ्रेंड्स हमने जो है फर्स्ट इटरेशन का जो है फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, सिंपल जैसे पहले किए थे उसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। जेड जे माइनस सी जे इक्वल्स टू होता है सी बी इंटू एक्स बी, सॉरी सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे। तो जेड वन माइनस सी वन का वैल्यू होगा सी बी इंटू एक्स वन माइनस सी वन, ठीक है। तो सी बी का वैल्यू क्या है, देखिए इनिशियल टेबल में सब 0 0 था लेकिन यहाँ पे 0 5 0 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी बी इंटू एक्स वन है, ठीक है, एक्स वन, तो 0 इंटू माइनस 1 बाई 2 0 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 3 बाई 2 प्लस 0 इंटू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस 5 इंटू 3 बाई 2 प्लस 0 इंटू 1, और ये माइनस जो है सी वन, यहाँ पे ये 3 माइनस 3, तो ये वैल्यू आएगा हम लोगों के पास 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 15 बाई 2 माइनस 3 आएगा, 15 बाई 2 माइनस 3 आ जाएगा हम लोगों के पास 9 बाई 2, ठीक है। ये 9 बाई 2 जो वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे 9 बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का ये वाला z2 माइनस c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो आएगा सी बी इंटू एक्स टू माइनस सी टू, तो सी बी इंटू एक्स टू मतलब 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 0 0 और 0 इंटू 4 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस 2, यहाँ पे माइनस ये वाला वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, अब माइनस सी टू का वैल्यू जो है 2 है, तो यहाँ पे माइनस 2, इसका वैल्यू आएगा माइनस 2। नेक्स्ट हम लोगों का एक्स थ्री के लिए देखेंगे, सी बी इंटू एक्स थ्री 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5 और ये 0, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगा 5 माइनस 5 करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे z3 थ्री माइनस सी थ्री का वैल्यू में सी बी इंटू एक्स थ्री माइनस सी थ्री की है, तो यहाँ से वैल्यू आया 5 माइनस सी थ्री का वैल्यू भी है 5, तो ये 0, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। नेक्स्ट है हम लोगों का ये 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0 होगा, 0 इंटू माइनस 1 बाई 2 0, 5 इंटू 1 बाई 2 5 बाई 2, यहाँ पे 5 बाई 2 आया और यहाँ पे 0, तो 5 बाई 2 माइनस 0 क्या होगा, 5 बाई 2 ही होगा। यहाँ पे देखेंगे 0 0 0, 5 0 0, 1 0 0, माइनस 0 करेंगे 0, ठीक है। तो अब जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, अब देखेंगे यहाँ पर भी हम लोगों के पास जो है सब यहाँ पे जो है निगेटिव वैल्यू है, तो मोस्ट निगेटिव वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, मोस्ट निगेटिव वैल्यू जो है हम लोगों के पास 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्लस 9 बाई 2 होगा, देखिए 15 बाई 2 माइनस 3 के प्लस 9 बाई 2 निकाले थे, यहाँ पे गलती से मैंने इनमें माइनस कर दिया, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आया है निगेटिव में, तो ये जो है हम लोगों का ये वाला जो रो होगा वो की रो होगा। अब इसके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइड में मिनिमम रेशियो का कॉलम बनाना है, ठीक है। मिनिमम रेशियो के लिए एक्स बी बाई जो हम लोगों का की कॉलम था उसको लिखेंगे, तो एक्स टू जो है की कॉलम है, तो एक्स बी बाई एक्स टू कर दिए। एक्स बी का वैल्यू है 200 बाई 2, तो मिनिमम रेशियो लिखेंगे 200 बाई 2 यानी कि 100। यहाँ पे फिर
230 बाई जीरो। अब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि x2 जो होगा मतलब कि वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ पे जो है कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है फोर 20 बाई फोर करेंगे तो यहाँ पे होगा 105। तो अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 100 जो है मिनिमम है, तो यहाँ पे ये एक एरो बनाएंगे और इसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग में जो रो होगा वो होगा हम लोगों का की रो। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों से जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट है, उसको बोलेंगे की एलिमेंट। मतलब इस टेबल के लिए ये जो हम लोगों का है, ये वाला x2 जो है वो इनकमिंग वेक्टर होगा और ये वाला s2 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर होगा। ठीक है, और 2 यहाँ पर भी जो है 2 है की एलिमेंट। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है सेकेंड इटरेशन का जो है टेबल बना लिया है। सीजे का जो रो है उसको हम लोग फिलअप कर देंगे उसी तरीके से जैसे पहले था। कॉस्ट तो सेम ही रहता है 325000। और बेसिक वेरिएबल का जो हम लोग के पास रो है, नहीं बेसिक वेरिएबल का जो कॉलम है उसमें हम लोग एस टू जो है वो है आउट गोइंग वैक्टर और इसके जगह पे आ रहा है एक्स टू। तो एस वन की जगह एक्स टू आ रहा है, तो एस वन की जगह एक्स टू लिखेंगे और बाकी एक्स थ्री और एस थ्री को वैसे ही लिख देंगे x3 s3। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हो गया। फिर इसका जो है सबका कॉस्ट लिख देंगे, एक्स टू के लिए है 2, एक्स थ्री के लिए है 5 और एस थ्री के लिए है 0। ठीक है, अब इसको भी उसी तरीके से पूरा कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने इस वाले में किया था। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ कि जैसे कि मैंने ये वाला मेथड बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज फाइंड आउट करने का, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग के पास की रो है उससे उस पूरे रो को की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 200 बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, माइनस 1 बाई 2 बाई 2 यानी कि माइनस 1 बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा 1 बाई 2, यहाँ पे माइनस 1 बाई 4 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो इतना कर लिए। इसके बाद हम लोग को ये हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग का जो की एलिमेंट है हमेशा नेक्स्ट टेबल में 1 दिखाना होता है, तो ये 1 दिखा दिए। इसके बाद जो है की एलिमेंट का जो है मतलब जो की कॉलम है इसमें जो बाकी जो एलिमेंट है उसको हम लोगों को 0 दिखाना रहता है। तो ये वाला जो है मतलब ये तो 1 कर दिए, ये 1 हो गया, इसको 0 दिखाना है, तो ये तो पहले से ही 0 है, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 230 3/2 0 1 1 है, फिर है 0, 1/2 और 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 पहले से था तो हम लोग को कुछ नहीं करने का जरूरत पड़ा, पहले से वैसे लिख दिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पर भी 0 आ जाए। तो वो जो रो ऑपरेशन करना पड़ेगा वो रो ऑपरेशन होगा R3 डैश, इस वाले रो के लिए R3 डैश को लिखना होगा R3 माइनस 4R1। क्यों हम लोग ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों को हमेशा जो है जो R1 को यूज़ करना होगा, क्योंकि ये जो R1 है हम लोगों का ये की रो है, तो की रो को ही यूज़ करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास ये की रो है, फर्स्ट वाला रो की रो, और यहाँ पे देखिए ये 1 है। ठीक है, इस 1 से हम लोग यूज़ करके 4 को करेंगे, तो यहाँ पे ये 4 है, तो हम लोग R1 में जो है 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस R3 से उसको माइनस कर देंगे। तो इस यहीं पे लिखिए R3 माइनस 4R1। अब जो R3 है वो क्या है हम लोगों के पास, ये जो है ये वाला R3 है, पहले इसको लिखेंगे, ये है देखिए ये R3 है हम लोगों का 420 1 4 0 0 1 420 1 4 0 0 1। ठीक है, ये है R3 और 4R1 निकालना है, 4R1 इस टेबल से निकालेंगे। तो 100 × 4 400, यहाँ पे होगा ये -1 4 0 2 -1 0। ठीक है,
आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 4R1 मतलब इस पूरे रो को 4 से मल्टीप्लाई करके ये लिखिए। अब इन दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, R3 को और 4R1 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 20, यहाँ पे आएगा 2, 0, 0, ये आएगा -2, ये 1 और ये भी 1, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का वैल्यूज आया हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 20, 2, 0, 0, -2, 1, 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था X2, X3 और S3 जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे ये X2 जो है 100, हाँ है, X3 010 है और S3 जो है 001 है। हाँ, तो बिल्कुल इस तरीके से है, तो इस तरीके से है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ZJ-CJ का वैल्यू निकालेंगे। ZJ-CJ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी, तो ये अब हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 2 × -1/4 +5 × 3/2 +0 × 2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे 3 से, ठीक है, माइनस 3 करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू आएगा वो होगा 4, ठीक है। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे। फिर X2 के लिए निकालेंगे 2 × 1 +5 × 0 +0 × 0 -2, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा 0। फिर इसके लिए करेंगे 2 × 0 +5 × 1 +0 × 0 -5, तो यहाँ पर भी आएगा 5 - 5 = 0। यहाँ पे करेंगे 2 × 1/2 1 5 × 0 = 0 और यहाँ पर भी 0, तो और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 1। यहाँ पे करेंगे 2 × -1/4 +5 × 1/2 +0 × 1/2 -0, तो यहाँ पर ये हम लोगों का जो वैल्यू होगा वो होगा 2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 2 × 0 +5 × 0 +0 × 1 -0, यहाँ का वैल्यू आएगा 0, ठीक है। तो हमने ZJ-CJ का वैल्यू इस वाले में निकाल लिया है। अब देखिए, जो यहाँ पे ZJ-CJ का जो वैल्यू है, ये सारा वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 है या फिर 0 से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हम लोग का जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल स्टेज पे पहुंच चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद लिखेंगे सिंस ऑल ZJ-CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन जो है हमारा ऑप्टिमम है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, X2 की वैल्यू है 100, X3 की है 230 और X1 नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया है X2 इक्वल टू 100, X3 इक्वल टू 230 और X1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग का जो क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन में था हमारा मैक्स जेड इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स जेड था, तो अब लिखेंगे मैक्स जेड इक्वल टू CB × XB। ये फॉर्मूला लगाएंगे CB × XB। अब CB और XB को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो CB है 2 × 100 +5 × 230 +0 × 20। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं 2 × 100 +5 × 230 +0 × 20, तो इसका आंसर आ गया 1350। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया सिंप्लेक्स मेथड का मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।